नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन एक नई कहानी और हर नई कहानी आपको देती है जिंदगी जीने की एक नई प्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, आज भी एक ऐसी ही कहानी लाए हैं आपके लिए और ये कहानी है दिल्ली की रहने वाली अपराजिता शर्मा की जिंदगी के बारे में, इनके अनुभवों के बारे में। आपको बता दें, एक फाइनेंशियल प्लानर एंड जर्नलिस्ट अपराजिता शर्मा ने समय को अपनी जिंदगी में सबसे अधिक मूल्यवान बताया है। दोस्तों, ये समय की महत्ता को भली भांति समझती है। इन्होंने हमेशा इसे सोच समझकर खर्च किया, इसलिए आज ये सफलता के इस मुकाम पर पहुंची है। पेशे से एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड जर्नलिस्ट अपराजिता शर्मा के पास इस फील्ड का 7 सालों का अच्छा खासा अनुभव है। इन्होंने व्यक्तिगत वित्त और शेयर बाजार पर कहानियां लिखी हैं। अगर बात करें इनके अनुभवों की तो इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टुडे, बिजनेस स्टैंडर्ड और जी बिजनेस जैसे कई मीडिया हाउसेस के साथ ये काम कर चुकी है। पिछले कुछ महीनों से ये एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रही है। पत्रकारिता पेशे को अपना जुनून मानने वाली अपराजिता शर्मा पत्रकारिता में हर दिन को एक नए दिन के रूप में देखती है। जी हाँ दोस्तों, ये मानती है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही हर काम की प्राथमिकता नहीं होती, बल्कि इनके मुताबिक मायने यह रखता है कि आप अपने काम के प्रति कितने ज्यादा पैशनेट हैं। इसलिए इन्होंने अपने पेशे को अपना जुनून बनाया और यही इनकी सफलता का मूल मंत्र भी रहा है, और इनके इस मंत्र ने आज इन्हें सफलता का मुकाम दिलाया है। तो दोस्तों, आइए अब ऐसी और कई दिलचस्प बातों के बारे में जानने के लिए हम सीधा मिलते हैं अपराजिता शर्मा से और इनकी अपनी जुबानी सुनते हैं इनकी जिंदगी की सफलता की ये पूरी कहानी। माय नेम इज अपराजिता शर्मा। आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल जर्नलिज्म एंड आई राइट स्टोरीज ऑन पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट। आई हैव वर्क विद डिफरेंट मीडिया हाउसेज लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टुडे, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड जी बिजनेस। And for last couple of months, I have been practicing as a freelance journalist. What I love the most about my career is that it's dynamic. Every day something new will happen and you have to read about it. You have to speak to people, get an understanding of it. And then you have to get a perspective, write about it, communicate with other people. And this is what keeps me going. Every day is a new day in journalism. So I have worked with all mainstream media brands. Secure job, each month I'll get my salary. So that is the kind of job that I had. And after second wave of COVID, I started thinking that what if I take independent route to journalism, and not only journalism, I want to do something in financial literacy. So let's see what happens. Will I be able to make that mark for myself or not? And I'm proud of myself that I could gather that courage. I could feel confident about leaving a full-time job, and that too with a brand like Business Today. I did that in June, and from July onwards I have been working as a freelance journalist, and thankfully I am getting good work, I am earning well, and at the same time I am doing the work that I enjoy. So thank to God that things are going well for me, at least for now. My success mantra is that you have to feel passionate about the work that you do. तो हार्ड वर्क तो कोई भी कर लेता है, आप चाहो या ना चाहो आपका एम्प्लॉयर ही आपसे हार्ड वर्क ले लेगा, बट इन द एंड यू हैव टू फील पैशन फॉर द वर्क दैट यू डू एंड ओनली देन यू कैन अचीव सक्सेस इन द प्रोफेशन दैट यू आर इन। टाइम इज वैल्यूएबल, सो स्पेंड योर्स वाइजली, एंड दिस इज ट्रू इवन व्हेन सिटिंग अलोन इन द स्पेस ऑफ योर माइंड। ये कोट मैंने कहाँ पढ़ी, आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ, बट दिस हैज बीन माई स्टेटस ऑन व्हाट्सएप since 2014. If I had a time machine and I could go back in time, that one thing that I'll do differently is starting to invest as early as possible. So I started my investment after 25 years of age, and had I known financial planning and all these things about investment that I know now, had I known in my adolescence, maybe before I turned 20, तो आज मैंने कितना सारा पैसा कलेक्ट कर लिया होता। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू चेंज इफ आई कुड गो बैक इन टाइम। माय मैसेज टू फ्रेशर्स इन माय प्रोफेशन इज दैट बिकम अ मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट। सो इफ यू लाइक टू राइट, इफ यू वांट टू राइट फॉर न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स, देन ऑल्सो लर्न हाउ टू क्रिएट वीडियोज, एंड इफ यू आर कम्फर्टेबल एज अ प्रेजेंटर, यू आर गुड एट क्रिएटिंग वीडियोज, देन ऑल्सो यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, हाउ टू टेल योर स्टोरीज in words. So you have to be a multimedia journalist. The future is for people who are versatile and who can share their stories in different media formats.
दोस्तों आप सुन रहे थे एक फाइनेंशियल प्लानर एंड जर्नलिस्ट अपराजिता शर्मा की सफलता की कहानी इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। जी हाँ, मौका है आपके पास भी अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का, तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ और सुनाइए अपनी कहानी देशवासियों को। आपकी कहानी ले आएगी लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। जी हाँ दोस्तों, तो आइए और दीजिए इस मुहिम में हमारा साथ। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, इफ वी कैन इंडिया कैन। दोस्तों जिस तरह अपराजिता शर्मा ने अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन से जुड़े किस्सों, अनुभवों और संघर्षों के बारे में हमें बताया, उसी तरह आप भी अपने जीवन का हर पड़ाव, हर दौर एक बार फिर से याद करें और अपने जीवन की पूरी कहानी सभी के साथ साझा करें। आपके अनुभवों से देशवासियों को मिलेगी एक नई प्रेरणा, इसलिए शेयर कीजिए अपनी कहानी हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम, और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।